किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछो उसके मन में होता है कि घर बनाना है, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाए, वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है। लाइट हाउस प्राइवेट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाएंगे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राजधानी रांची में भी इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इधर रांची में निर्माण स्थल पर चले समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और उन्होंने भी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल होकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और बताया कि ये योजना झारखंड जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों के लिए माइलस्टोन साबित होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इसमें लाभुकों के लिए अंशदान की राशि ज्यादा है। उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि इसका शेयर कम करें ताकि झारखंड जैसे गरीब लोग इसका लाभ उठा सकें। गरीबों का आवास दे रहे हैं और एक बड़ी पहल शहरी क्षेत्रों के लिए आपने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 8 रुपए का होगा, 13 लाख रुपए का होगा, 350 स्क्वायर फीट का आवास है और झारखंड में 13.5 लाख अगर हर व्यक्ति के पास हो जाए फिर तो मुझे लगता है कि लोगों को लाइट हाउस की आवश्यकता नहीं बल्कि खुद से लोग भावी आवास बना। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि भारत सरकार की ये योजना झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि लोग ये न समझें कि 6 लाख उन्हें एक बार में ही देने होंगे बल्कि सरकार उनको ये सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा कमरा जो है एक जगह बनेगा, जैसे इसका प्री फैब्रिकेशन जो होगा ना यही बगल 2 एकड़ और जमीन में वो लोग करेंगे, एक जगह पूरा का पूरा फ्लाई ऐश से बनेगा। तो थैंक यू हमेशा कहते हैं 135 करोड़ देशवासी, उनके लिए पूरा देश एक है, 135 करोड़ जो नागरिक हैं वो परिवार हैं, उस जो लक्ष्य है उनका उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज पहले दिन जो देशवासियों को उन्होंने उपहार दिया है हम सब उत्साहित हैं और उनका जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। नए साल में पीएम नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए ये तोहफा कई मायनों में उदाहरण पेश करेगा और बेघरों को घर दिलाने में सहारा बनेगा। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।